जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता दें, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। तो गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे, ये बड़ी खबर। तो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी कि आखिरकार किस विजन के तहत वो इस चुनावी मैदान में है और क्या कुछ घोषणाएं होती हैं वो भी इस घोषणा पत्र में देखना होगा। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से संवाददाता अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और जाहिर तौर पर अब नजरें ये रहने वाली है कि आज क्या कुछ संकल्प पत्र में सम्मिलित किया गया होगा बीजेपी की तरफ से। देखिए, आज अमित शाह लखनऊ आगमन है, निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज संकल्प पत्र जारी होगा 2022 के लिए चुनाव को देखते हुए। अब संकल्प पत्र में चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात करें, अपने अपने जो संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए बात कही थी और उन्होंने कहा था संकल्प पत्र में इसको शामिल करेंगे। अब भाजपा कोई ऐसा संकल्प पत्र लाना चाहती है जो कि विपक्ष और जनता के लोकप्रिय हो। विपक्ष तो उन पर कटाक्ष करेगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के एक समस्या है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 300 बिजली फ्री देने की बात कही है, अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसका किस तरीके से जवाब देती है, क्या बिजली में कुछ कटौती करती है या कुछ सस्ती करेगी। हालांकि किसानों को लेकर के भी अभी बड़ा आंदोलन चला है, तो उत्तर प्रदेश में पानी की समस्या, बुंदेलखंड की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें, नौकरियों की बात करें या फिर किसानों को लेकर के कुछ एजेंडे में कुछ हो सकता है, तो तमाम चीजों पर प्रयास लगाए जा रहे हैं। 10:30 बजे अमित शाह, राधा मोहन सिंह प्रदेश अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे और वहां पर एक संकल्प पत्र जारी करेंगे। जहां तक बात करें कि उत्तर प्रदेश में जनता को लेकर के क्या कुछ उनके पास है, क्या विजन है, 2022 में सरकार बनती है तो क्या कुछ जनता के लिए लाएंगे। हालांकि आज जो समाजवादी पार्टी का भी संकल्प पत्र आना है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम 5 बजे लखनऊ पहुंच चुकी हैं, तो वो भी संकल्प पत्र आएगा। आप देखना ही होगा कि दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ऐसे में जनता को कितना वो फायदा दे पाएंगी, जनता के लाभ को लेकर के उनके पास कितना विजन है, क्या क्या कुछ उन्होंने सोचा है। क्योंकि तमाम जो चीजें पिछले संकल्प पत्र में कही गई थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं अभी अधूरी रही है। अब इस संकल्प पत्र में जनता के लिए क्या कुछ है, फिलहाल 10:30 बजे के बाद पता लगेगा। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र आज जारी करने जा रही है। फिलहाल क्या विजन रहने वाला है बीजेपी का इस चुनाव में, वो इससे प्रदर्शित हो जाएगा।